हरिद्वार में जिला पंचायत बोर्ड बनने के बाद मंगलवार को जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। मल्ला इंटर कॉलेज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी और उपाध्यक्ष अमित चौहान को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधिवत द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जो विकास काम ग्रामीण क्षेत्र का रुका था उसको जल्दी जल्दी पूरा करेंगे, यही प्राथमिकता। सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? जो सामने आएंगे देखेंगे, लेकिन हमारा काम तो विकास का है, इस जिले को आगे बढ़ाने का है, इसे आदर्श जिला बनाने का है। कार्यक्रम में सभी निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को भी शपथ दिलाई गई। इस बार जिला पंचायत चुनावों में भाजपा का बोलबाला रहा, लिहाजा शपथ ग्रहण समारोह में भी भाजपा के कई नेता शामिल हुए। भाजपा नेताओं ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि हरिद्वार जिले को श्रेष्ठ बनाने के लिए लगातार काम किया जाएगा। ये बहुत बहुत खुशी की बात है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। 1.5 साल बाद का एक मुश्त जीत हुई है, निश्चित रूप में सभी का इसमें सहयोग रहा है, सभी बधाई के पात्र हैं। ये बड़ा ऐतिहासिक क्षण है और मैं ये समझता हूँ कि हरिद्वार के इतिहास में 30-33 वर्षों के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का अध्यक्ष चुन करके आया है, बल्कि चुन के ही नहीं आया, निर्विरोध चुन करके आया है। कोई दूर दूर तक कोई विरोध नहीं, किसी ने नामांकन तक नहीं किया, ऐसे जिला पंचायत का उपाध्यक्ष भी हमारा निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। और इतिहास इस बात का है कि जहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत का उपाध्यक्ष निर्विरोध हुए हैं, वही 6 के 6 ब्लॉकों में हमारे ब्लॉक प्रमुख भी निर्विरोध हुए हैं। ये एक ऐसा इतिहास है जिसको जल्दी से न भूतो न भविष्यति होगा। हरिद्वार में जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों निर्विरोध चुने गए हैं।